So you know, I keep on doing a lot of solo road trips all around the world for all the epic locations only. And let me tell you, those road trips cost a lot. It takes a lot of time for the planning and research. And then you need a lot of confidence to do it all alone. I'm going to explain this video in Hindi because I got a lot of video requests about this topic. Hope it's going to help everyone. So Hindi it is. Let's start. पहले location select करो, कहाँ जाना है वो पहले decide करो. जब तक वो आपको मालूम नहीं है उसके बाद next step आप जा नहीं सकते. कहाँ जाना है, क्यों जाना है, गूगल में रिसर्च करो, प्लेस को पहले फाइनलाइज करो, कहाँ जाना है. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को नेक्स्ट जाना है नॉर्वे. सो प्लेस इज डिसाइडेड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स. सेकेंड, कौन से टाइम ऑफ द ईयर में जाना है. फॉर नॉर्वे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस नॉर्वे एज एन एग्जाम्पल फॉर द होल वीडियो सो दैट यू कैन सी हाउ आई एम एक्चुअली प्लानिंग. हिंदी, बैक टू हिंदी. सो नॉर्वे इज डिसाइडेड, नॉर्वे डिसाइड कर चुका हूँ. अभी नॉर्वे को बेस करके ये वीडियो में पूरा जो पॉइंट्स मैं रिसर्च करता हूँ पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वही मैं एक्सप्लेन करूंगा. सेकेंड पॉइंट इज, सिंस नॉर्वे इज डिसाइडेड, अभी मेरे को देखना है कौन से टाइम ऑफ द ईयर में नॉर्वे जाना चाहिए. अब एज पर माई रिसर्च नॉर्वे में समर आता है. आई मीन फॉर अस हम विंटर या स्नो में जा नहीं सकते, इतना बहुत ठंड लगता है. ऑलरेडी आइसलैंड में मैं भुगत चुका हूँ, इट वॉज रियली बैड, बहुत ठंड लगता है और हम सह नहीं सकते. सो नॉर्मली प्लान हमें ऐसे करना चाहिए कि समर में ही निकलो. सो नॉर्वे का समर आता है वही मई जून जुलाई. सो मई में मैं निकल नहीं सकता क्योंकि ऑफिस का पार्टी है, फिर बहुत सारे काम है. जून में मैं निकलूंगा. जून इज द बेस्ट समर मंथ फॉर नॉर्वे. जुलाई भी वहाँ पर थोड़ा, मतलब वहाँ का समर हमारे समर जैसा 40-50 डिग्री नहीं रहता. समर इन नॉर्वे इज लाइक 15 डिग्री 16 डिग्री. फिर भी वो स्वेटर तो लेके जाना ही है. बट नॉर्वे समर इज मई जून जुलाई. सो मेरा डिसाइडेड टाइम इज जून. सो फर्स्ट आप जगह सिलेक्ट करो कहाँ जाना है. सेकेंड सिलेक्ट करना है कौन से मंथ में जाना है. सो नॉर्वे जून, मई, जुलाई, मेरे को जाना है जून. सो जून इज डिसाइडेड. टू पॉइंट्स आर डन, लोकेशन, टाइम ऑफ द ईयर. थर्ड, कितने दिन जा सकते हो. नॉर्मली फॉर मी मैं 12 से 15 दिन सेट करता हूँ फॉर माई रोड ट्रिप्स, क्योंकि जब मैं पहुँचता हूँ दो दिन रुकता हूँ टू गेट यूज टू द प्लेस एंड सब कुछ जानने के लिए, रूल्स, रेगुलेशंस, करेंसी, इंटरनेट, एवरीथिंग जानने के लिए मेरे को एक दो दिन लगता है. उसके बाद दो दिन में आराम से, मतलब रेस्ट करके उसके बाद मैं निकलता हूँ. तो 15 दिन में फर्स्ट दो दिन आई रेस्ट, एक्सप्लोर द सिटी, देन बीच में 10 दिन में गाड़ी चलाता हूँ. यू मस्ट हैव सीन, हर डे वीडियो आता है. उसके बाद लास्ट में दो दिन में जाके गाड़ी पार्क करता हूँ, गाड़ी रेंटल वालों को बैक दे देता हूँ होटल में, और एक दो दिन रुकता हूँ, फिर से रेस्ट करता हूँ, जितने काम रहता है सब पेंडिंग खत्म करता हूँ, फिर फ्लाइट लेके घर आ जाता हूँ. तो पहले आप लोकेशन सिलेक्ट करो, सेकेंड कौन से टाइम में जाना है, उसके बाद कितने दिन आप निकल सकते हो. अगर आप स्टूडेंट हो या काम कर रहे हो, डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू कैन गेट आउट ऑफ योर स्केड्यूल. फॉर मी मैं 12 से 15 दिन निकालता हूँ, एंड फॉर मी इट्स लाइक आई ऑलवेज डिसाइड इन बिटवीन जून, आई मीन 12 to 25, क्योंकि 1 से 12 तक मैं निकल नहीं सकता, ऑफिस का बहुत काम रहता है. 12 के बाद मैं निकल सकता हूँ, 12 से 25 तक में मेरे को फिर 25 से पहले आना है इंडिया, क्योंकि मेरे सिग्नेचर के बिना यहाँ 50 लोगों का सैलरी नहीं जाएगा. तो मेरा सिग्नेचर होने के लिए मेरे को बैक आना पड़ेगा, आते ही साइन करके, सिग्नेचर करके, फिर 12 दिन काम करके. 12 से 25 इज माई टाइम लाइन फॉर एनी ऑफ माई रोड ट्रिप्स. फोर्थ, अपना रिसर्च खुद करो. डोंट डिपेंड ऑन गूगल, डोंट डिपेंड ऑन ट्रिप एडवाइजर, डोंट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स, अपना रिसर्च खुद करो. गूगल में जाओ, जितना रिसर्च कर सकते हो वो जगह के बारे में सब कुछ रिसर्च करो. कैसे खाना है, कैसा इंटरनेट है, कैसा रोड है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, क्राइम रेट क्या है, कौन से टाइम ऑफ द ईयर ठीक है, स्नो कब होता है, कौन सा रोड खुला रहता है, कौन सा होटल्स लेने से अच्छा होगा, बहुत सा रिसर्च करना पड़ता है. एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अपना रिसर्च खुद करो. फिफ्थ, जब रिसर्च हो जाए उसके बाद आइटिनरी रेडी करो. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी मैं प्लान कर रहा हूँ 15 डेज और 12 डेज फॉर नॉर्वे. सो पहला मैं गूगल में जाता हूँ और सर्च करता हूँ 12 डेज रोड ट्रिप आइटिनरी फॉर नॉर्वे. ऐसे करके जितने भी आते हैं 12, 15, 10 डेज, सब राउट्स और आइटिनरी को मैं पढ़ता हूँ, पूरा क्लोजली उसको वॉच करता हूँ. उसके बाद हर एक को देख के एक शॉर्ट लिस्ट बनाता हूँ अपने राउट को, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ से कैसे जाना है. एंड मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं करता, आई नॉर्मली प्लान फॉर लाइक 100-200 at max 300 किलोमीटर्स इन ए डे, क्योंकि मैं अकेले चलाता हूँ एंड हर 5 मिनट में मेरे को रुकना रहता है फॉर वीडियो, व्लॉगिंग, ड्रोन्स, एरियल्स, बी रोल्स, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. हर 5 मिनट में रुकता हूँ, दैट इज द ओनली रीजन मैं किसी को लेके नहीं जाता. कोई अगर मेरे साथ जाएगा वो एब्सोल्युटली बोर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत रुकता हूँ, बहुत चलाता हूँ, अकेले चलाता हूँ, जो मन चाहे वो करता हूँ. अकेले सोलो रोड ट्रिप्स आर एब्सोल्युटली फन एज लॉन्ग एज यू आर रियली कॉन्फिडेंट. शॉर्टलिस्ट करो अपने राउट को. फॉर मी नॉर्वे का मैं देख लिया कि नॉर्वे इज ए बिग कंट्री. मेरा रिसर्च ऐसे स्टार्ट हुआ कि एक बार नॉर्वे जाऊँगा और पूरा कंट्री खत्म करके आऊँगा.
नॉट गोइंग टू हैपन. नॉर्वे इज अ बिग कंट्री, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ राउट्स है और आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही डेंजरस कंट्री है. तो मैंने प्लान किया कि इस बार जाऊंगा तो मैं बर्जिन से लेके ट्रॉन्स्ट्यूम वो एक जगह है वहां तक ड्राइव करूंगा. इट विल बी समवेयर अराउंड 1200 और 1300 किलोमीटर, दैट इज द मैक्स. मतलब मेरा नॉर्मली रोड ट्रिप रहता ही है 1500 से 1600 किलोमीटर के अंदर एंड मैं उसको प्लान करता हूँ 10 दिन के अंदर. सो बेसिकली 150-200 किलोमीटर पर डे चलाओ, एक्सप्लोर करो, वीडियो बनाओ, हैव फन एंड गेट बैक टू इंडिया टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो वैसे ही प्लान रहता है. तो इस बार का मेरा प्लान है, मैं कर रहा हूँ पूरा एंड साउथ नॉर्वे बर्जिन. आई एम गोइंग फ्रॉम डेली टू कोपेनहेगन डेनमार्क, फिर कोपेनहेगन से फ्लाइट लेके बर्जिन. बर्जिन में 2 दिन रुकूंगा, बर्जिन के बाद वहाँ से 2 दिन रुकने के बाद वहाँ से कार लूँगा. आई एम टेकिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑडी A3 और Q3, नीड टू चेक. वहाँ से फिर 10 दिन ड्राइव है, हर दिन इट्स लाइक 150 और 200 किलोमीटर्स. एंड फॉर नॉर्वे ऐसा रिसर्च हुआ है, नॉर्वे का एक वेबसाइट है, उनका गवर्नमेंट का वेबसाइट, जिसमें वो हर एक सीनिक राउट को लिस्ट करके रखे हैं. उसी दैट वाज द बेस्ट वेबसाइट एक्चुअली यूज्ड. इट टुक मी लेस टाइम. आइसलैंड का प्लानिंग में मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था, बट नॉर्वे का प्लानिंग डिड नॉट इवन टुक मी मे बी 5-6 आवर्स. कल होल डे में बैठा, नॉर्वे का पूरा प्लानिंग हो गया. तो नॉर्वे इज ईजी बट कंट्री इज डेंजरस. या यू नीड टू प्लान इट अप. सो ऐसे ही प्लान किया, वो वेबसाइट को गया, जितने भी उनके सीनिक राउट से उसको मैप में पॉइंट आउट कर दिया. उसके बाद डिसाइड किया कि कौन से राउट में कर सकता हूँ जो कि हर डे मेरे को 150 से 200 किलोमीटर ड्राइव करना पड़े, फिर रात को कहीं एक रुकने का है, फिर एक आगे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर जाके लास्ट में एक ट्रिप पहुंच के वहां से कार रिटर्न करके वहां से फ्लाई बैक करना है बर्जिन. तो जब राउट शॉर्टलिस्ट हो जाए, पूरा डे टू डे एंड टू एंड ट्रिप, उसके बाद जाके ट्रिप एडवाइजर पे जाओ, लॉनली प्लैनेट फोरम्स पे जाओ. मैं नॉर्मली वही करता हूं. अभी नॉर्वे का पूरा प्लानिंग हो गया, ट्रिप एडवाइजर फोरम में गया, लॉनली प्लैनेट फोरम्स में गया, पोस्ट कर दिया अपना टॉपिक. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लोकल्स टू रिस्पॉन्ड. वंस द लोकल्स रिस्पॉन्ड, देन यू नो वॉट इज द परफेक्ट आइटेनरी यू शुड बी गोइंग फॉर. और नॉर्मली मतलब उन लोगों पर डायरेक्ट विश्वास मत करो क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारे चॉइसेस हैं. फॉर मी मेरा चॉइस ऐसा है कि सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए. मैं बोरिंग जगह जा नहीं सकता, एंसियंट वो पुराने स्टाइल के लोगों को देख नहीं सकता, एरियाज देख नहीं सकता. मेरे को ओनली एपिक लोकेशंस चाहिए क्योंकि मेरे को फोटो वीडियो कंटेंट रेडी करना रहता है. तो मेरे को सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए. मैं ओनली वही सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे को अच्छा दिखे. तो मैं बहुत सारे राय ले लेता हूँ फोरम्स से, बहुत सारे राउट्स फाइनलाइज करता हूँ, उसके बाद जाके एंड में जाके गूगल पे हर प्लेस को गूगल इमेजेस में देखता हूँ. उसके बाद जाके एक मैप बनाता हूँ, हर प्लेस को मैप करता हूँ पॉइंट में, हर प्लेस को गूगल इमेज में देख के जो प्लेस अच्छा लगे उसी को टच करता हूँ. लेट्स से ABC या 3 places जो मेरे को लोकल से सजेस्ट करते हैं कि आप ये जाओ, वो प्लेस जाओ, वो प्लेस जाओ, मैं उसको प्लान करके मैप आउट करके जो प्लेस अच्छा दिखता है ओनली उसी को कनेक्ट करता हूँ मैप में, जो अच्छा नहीं दिखता उसको वाइप आउट रिमूव कर देता हूँ मैप से. ओनली उसी को कनेक्ट करो, उसके बाद जाके कैलकुलेट करता हूँ उतना ड्राइविंग एक दिन में पॉसिबल है कि नहीं. उसके बाद जाके द रोड ट्रिप, ऑलमोस्ट द राउट आइटिनरी वहीं पर ही फिनिश हो जाता है क्योंकि एक बार आइटिनरी रेडी है तो आपको ओनली देखना रहता है कि बजटिंग एंड होटल्स. तो पहले राउट रेडी कर दो, पूरा रोड ट्रिप का हर एक पॉइंट वे पॉइंट रेडी रहना चाहिए. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वे पॉइंट्स. अगर आपको राउट ऐसा है कि ए से बी जाना है एक दिन में एंड दैट इज लाइक 200 किलोमीटर्स, तो आपको वो राउट के अंदर कितने अच्छे जगह हैं वो पॉइंट आउट करना है. वो सबको गूगल में पॉइंट आउट करो एंड डू नॉट यूज गूगल मैप्स. आई डू नॉट यूज गूगल मैप्स एट ऑल. आई डू नॉट इवन रेकमेंड गूगल मैप्स. साइजिक मैप यूज करो, दैट इज लाइक $15 और $20, बट दैट इज द बेस्ट मैप्स एप्लीकेशन यू कैन यूज. आई बीन यूजिंग दैट ऐप फॉर लाइक ईयर्स नाउ. वही ऐप मैं यूज करता हूँ हर रोड के लिए, हर कंट्री के लिए. आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. साइजिक इंस्टॉल करो. सो ए टू बी पॉइंट मैप करो, जितने भी वे पॉइंट है साइजिक में वे पॉइंट रेडी करो. उसके बाद यू ऑल हैव टू डू इट जस्ट डिपेंड ऑन द साइजिक मैप. आप जब ड्राइव करोगे वो साइजिक मैप आपको हर लोकेशन पे लेके जाएगा. आपको कुछ भी नहीं देखना है, किसी को नहीं पूछना. मैं आज तक किसी को नहीं पूछा ये प्लेस किधर आएगा, वो रोड किधर है, कुछ देखना नहीं पड़ता. साइजिक मैप इज गोइंग टू टेक यू टू प्लेसेस. हर जगह वो लेके जाएगा, पूरा वे पॉइंट एंड टू एंड वो लेके जाएगा, ए टू बी टिल योर होटल, फ्रॉम द लास्ट होटल वही लेके जाएगा. कुछ भी देखना नहीं, कोई भी कोई इशू नहीं होता है. साइजिक मैप इज द बेस्ट वे टू गो. सो वे पॉइंट रेडी कर दो, ए टू बी प्लेस रेडी कर दो, राउट आई इज रेडी, राउट आइटिनरी इज रेडी. उसके बाद देखना है जो जो प्लेसेस पे आप रुक रहे हो रात में वहाँ होटल्स है कि नहीं एंड वो आपके बजट में आता है कि नहीं. सो नाउ द मेन पार्ट कम्स, बजटिंग. फर्स्ट, प्लेस तो सिलेक्ट हो गया, दिन तो सिलेक्ट हो गया, राउट तो सिलेक्ट हो गया, राउट आइटिनरी भी रेडी हो गया. अब बजटिंग पे आते हैं. फर्स्ट इज
बजटिंग। अब बजटिंग पे आने से सबसे पहला आइटम आता है फ्लाइट्स। फ्लाइट्स मेरे को जाना रहता है, मेरे को चूज करना रहता है कहाँ से जाना है, एंड माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिल्ली, ऑलवेज दिल्ली, क्योंकि देयर इज अ रीजन, दिल्ली में ड्रोन का चेकिंग इतना खास नहीं होता, तो ड्रोन मेरे को लेके जाना है। ड्रोन के बिना मैं जाता नहीं, ड्रोन के बिना मैं आता नहीं। यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इन आइसलैंड, आई लॉस्ट माय ड्रोन, वेंट अहेड, बॉट अनदर वन, गॉट बैक विद द ड्रोन। विदाउट ड्रोन मैं जाता नहीं, विदाउट ड्रोन मैं लौटता भी नहीं। ड्रोन हैज टू बी देयर इन माई बैग। एंड दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स, आई लव यू। सो दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ मैं, दिल्ली से कैसे कनेक्ट करना है वो प्लेस ये देखता हूँ। सो फॉर नॉर्वे मेरे को जाना है बर्जिन, सो मैं दिल्ली से बर्जिन सिलेक्ट किया, सर्च किया फ्लाइट्स। मैं नॉर्मल यूज करता हूँ स्काई स्कैनर, नहीं तो kiwi.com। सो दिल्ली से इट्स शोइंग द शॉर्टेस्ट इज समवेयर अराउंड दिल्ली से कॉपेनहेगन, देन कॉपेनहेगन से बर्जिन। वो राउट इज गोइंग टू टेक मी लाइक 65,000 फॉर द फ्लाइट। सो बजटिंग सब स्टार्ट करता हूँ फ्लाइट्स से, फ्लाइट्स इज लाइक 65,000। देन मेरे को अगर 12 डेज और 15 डेज रहना है, पर नाइट इट्स गोइंग टू बी होटल। अब हर प्लेस, जो जो प्लेस मैंने राउट आइटनरी में डाला है, हर प्लेस को देखना है, वो सब प्लेसेस में होटल्स है कि नहीं, क्योंकि ऐसे नॉर्डिक कंट्रीज में लाइक आइसलैंड, फेरो आइलैंड, नॉर्वे, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत अच्छा दिखते हैं, बट वहाँ कोई होटल और कोई लोग ही नहीं रहते। तो आपको ये देखना है कि वहाँ होटल्स है कि नहीं, नहीं तो फिर प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले जितने जितने राउट्स में जितने जितने प्लेसेस को मार किया रहता हूँ, उसमें होटल सर्च करता हूँ, and I just need to see if the hotels are coming in my budget. Normally aise countries mein it's really very expensive for the hotels, it's somewhere like 10 to 15,000 is a must. So it's, if it's like 12 or 15 days per day, you are taking like 15,000 odd. So 12 days 15,000 a night, it's going to 1.8 lakhs just for the hotel. So flights budget ho gaya 60 to 65,000, hotels 15 days it's close to 1.8 lakhs. इंटरनेट, वो उसके बाद बिना इंटरनेट होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं जो चीज़ सर्च करता हूँ वो है इंटरनेट एंड इंटरनेट स्पीड, बिकॉज विदाउट इंटरनेट आई कैनॉट अपलोड द वीडियोज विच आई कीप ऑन डूइंग एवरी डे ड्यूरिंग माई रोड ट्रिप। सो इंटरनेट पहले देखता हूँ। इन आइसलैंड आई स्पेंट लाइक 30K फॉर इंटरनेट ओनली, फॉर न्यूजीलैंड स्पेंट लाइक 40K ओनली इन इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट फास्ट मेरा दिमाग घूमता है, इंटरनेट पहले चाहिए। दैट इज ओनली रीजन आई हैव स्टार्टेड जेटस्पॉट बैक लाइक 3 years। इंटरनेट पहले चाहिए, इंटरनेट is like flying. So internet पहले देख लेता हूँ, flights देख लिया, hotels हो गया, तो budgeting हो गया, internet 20 to 30k should be odd, and hotels हो गया, फिर flights हो गया, इतना में हो गया 60 plus 1.8 plus 20, 2.6 lakhs on flights, hotels and internet. And then आता है fuel. Fuel cost in Norway is expensive, बहुत ही ज़्यादा लगता है तेल का. So तेल के लिए पकड़ लो 30 to 40,000 should be fine for 12 days. तो ये आ गया अपना 1.86, 2.4, 2.7, क्लोज टू 3 लैक्स फॉर आ गया अब तक होटल, फ्लाइट्स एंड इंटरनेट एंड फ्यूल। उसके बाद जाके आता है कार रेंटल। कार रेंटल भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में। फॉर 12 दिन इट शुड बी समवेयर अराउंड 80 or 85,000 फॉर एन ऑडी Q3 और A3 मोस्ट प्रोबेबली। आई जस्ट नीड टू गो एड एंड चेक विथ माई कार रेंटल कंपनी। एंड उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। आप जो भी कंट्री में ड्राइव करना चाहते हो, पहले रिसर्च कर लो भाई वहाँ इंडियन लाइसेंस चलता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इंडियन लाइसेंस चलता है, क्योंकि हमारा लाइसेंस इंग्लिश में है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ भी कार रेंटल कंपनी है, अगर आपका लाइसेंस इंग्लिश में है, इंग्लिश लाइसेंस आर एक्सेप्टेड। इंडियन लाइसेंस इज एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट फिर भी वो रिसर्च कर लो। एंड जब भी कार बुकिंग करते हो, कार रेंटल कंपनी को ईमेल कर दो कि भाई मेरा लाइसेंस एक्सेप्ट करोगे या नहीं। हाँ बोल देगा, कीप ए नोट ऑफ दैट ईमेल। अगर वो साला मना करता है जब जाने के बाद, उसको वो ईमेल का कॉपी दिखा देना। मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी एक बार ऑस्ट्रेलिया में, सो जस्ट डोंट टेक ए चांस। इंडियन लाइसेंस का कॉपी रखो, वो ईमेल का कॉपी रखो, उसको ईमेल करो भाई मेरा लाइसेंस एक्सेप्टेड है कि नहीं, हाँ कि ना बोल। ईमेल में वो हाँ बोलेगा, उसका कॉपी एक रखो, लेके जाओ। लाइसेंस वो पहले देखना है, बजटिंग हो गया, फ्लाइट्स, होटल्स, इंटरनेट, फूड, वो बजट एक मेन है। मैं ज़्यादा खाता नहीं, तो मेरे को फूड का बजट इतना सेट करना नहीं रहता, फिर भी मैं पानी, बनानास, ये सभी देख लेता हूँ। अगर कुछ भी मिलता है मैं नॉर्मली खा लेता हूँ, इधर उधर नहीं खाता। इंडियन कुछ भी मिलता है तभी खाता हूँ। तो नॉर्मली इंडियन डिशेज एंड द फूड रेस्टोरेंट्स रियल एक्सपेंसिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया छोड़कर और सब जगह बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरा पैसा थोड़ा इंडियन फूड में चले जाता है, बट नॉर्मली ऑन रोड ट्रिप डेज बनानास, मिल्क जूस, सैंडविचेस, योगर्ट, पानी, इतना भी मैं चला लेता हूँ। तो खाने का बजट ज़्यादा नहीं, 12 दिन के लिए 40,000, 30 टू 40,000 शुड बी फाइन फॉर फूड। सो बजटिंग में अपना आ गया फ्लाइट्स, होटल्स, फ्यूल एंड कार रेंटल एंड होटल्स तो आ गया, फूड, इंटरनेट, इतना ही नॉर्मली आता है बजट में। सो फॉर नॉर्वे फॉर 12 टू 15 डेज
यू आर लुकिंग समवेयर अराउंड 4 lakhs इफ यू आर डूइंग ए सोलो रोड ट्रिप. ये है नॉर्मल बेसिक्स, बट उसके बाद जाने के बाद और भी बहुत कुछ होने लगता है. सो थोड़ा इधर उधर तो होता ही है बजट, बट बजट नॉर्मली ये रेडी करना रहना चाहिए. सो रोड ट्रिप का राउट रेडी कर दो, बजट रेडी कर दो, उसके बाद जाके डिसाइड करो अगर आपको जाना है या नहीं. रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप कोई भी कंट्री में ड्राइव करना चाहते हो, उससे पहले आप पहुंचो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीटली पढ़ लो. ऑल्सो रोड साइंस, ये भी पहले पढ़ लो. इंडिया में अपना कोई भी रूल ठीक नहीं है, इसीलिए इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अदर कंट्रीज में अगर कुछ भी आप रॉन्ग करते हो पीछे चले जाओगे. सो रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट. मैं पहले क्या करता, रूल्स एंड रेगुलेशन वो कंट्री का, जो भी कंट्री को मेरे को रोड ट्रिप करना है उसका रोड और ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट वेबसाइट को जाता हूँ, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ लेता हूँ. रोड साइंस एंड ऑल दैट स्टफ वो नॉर्मली मेरे को पूरा दिमाग में रखना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं गाड़ी लेता हूँ, चलाना शुरू करता हूँ. एंड आई हैव ऑलरेडी डन मोर किलोमीटर्स देन आई हैव ड्रिवन इन इंडिया एक्चुअली. सो ऐसे ही नॉर्मली रोड ट्रिप प्लान किया जाता है. फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप पहले जगह सिलेक्ट करो, कब जाना है वो देख लो, कितने दिन जाना है वो देख लो, बजट निकालो, फ्लाइट्स देख लो, होटल्स देख लो, राउट निकालो. राउट निकालना ही सबसे बड़ा पंगा है. आई थिंक मैं अगर एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करता हूँ, जेट ट्रैवल, उसमें आई कैन गेट पेड अ लॉट, बिकॉज मैं प्लानिंग में मतलब निंजा. आई कैन प्लान एनी थिंग फॉर एनी वन, लाइक आई मीन सचिन तेंदुलकर. प्लानिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग आई कैन डू. मैं हर ट्रिप का ऐसा प्लान है, अगर मैं पोस्ट कर दूँ आई कैन put up as a $5 road trip itinerary, I can make a lot of money just by my itinerary. बहुत ही अच्छा planning होता है. मैं थोड़ा time लेता हूँ, 10-12 दिन सोचता हूँ कैसे ये point में जाना है, वो point में जाना है, ये hotel जाने से अच्छा होगा कि नहीं, वो hotel में रह के वहाँ से drive करने से अच्छा होगा, वहाँ से कौन सा high होगा. तो ये planning बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत time लगता है, but जब होता है it's stellar. You must have already seen in my videos, I keep on doing. हर डे का वीडियो आता है. आई होप यू हैड हैव ऑलरेडी सीन ऑल द वीडियोज, आई लव मेकिंग देम. एंड मैं खुद हर दिन मेरा खुद का वीडियो देखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है. रोड ट्रिप एज एब्सोल्युटली ब्लिस. कोई भी डिप्रेशन में हो, रोड ट्रिप निकलो, यू विल गेट बैक विद अ फ्रेश माइंड. गेट स्टार्ट विद एनी ऑफ योर जॉब एंड यू आर गोइंग टू गेट 100%. सो रोड ट्रिप का यही है पूरा प्लानिंग. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. स्मैश द सब्सक्राइब बटन यू हैवंट डन इट येट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. Thank you.